नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नवरत्न मलेशिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री सहायता कोष, यानी राजस्थान में यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उनको लिए या उनके लिए जो मुख्यमंत्री सहायता कोष के द्वारा जो स्कीम है वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, आप यदि परिवार में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो वो एक तो मतलब नॉन बीपीएल, यानी आप बीपीएल में नहीं हैं तो आप देख सकते हैं, मतलब कोई भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो वहाँ पर आप इलाज करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आपकी जो फैमिली की जो राशि होती है, यानी जो इनकम होती है, वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें आप हृदय रोग, गुर्दा रोग, कैंसर रोग इत्यादि रोगों से आप लंबे समय से कोई भी यदि बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो उनका आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। और आपको जो तीसरी है, इसमें आपको ये करना है कि आप यदि आवेदन करते हैं तो सादा कागज़ पर आपको मुख्यमंत्री जो है वहाँ पर आपको उनके निवास स्थान पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी सहायता हेतु आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सचिवालय जयपुर के नाम आपको ये पेक्स करना पड़ेगा, आपको एक ईमेल करना पड़ेगा, आपको सादा कागज़ में लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो आवेदन की तिथि है वो है, यदि आप बीमारी से जूझ रहे उस समय आपको जो आपका फॉर्म है वो अप्लाई करना पड़ेगा। आप यदि डिस्चार्ज होने के बाद में यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगा कि यदि आप सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, यदि आप सरकारी हॉस्पिटल में हो तो आपको 40%, यानी आपको जो खर्चा होता है उसमें 40%, यानी आपको 1.5 लाख रुपये की सहायता, और प्राइवेट में 30%, यानी 90,000 रुपये की सहायता दी जाती है। और इसके अलावा आपको मैं ये बता दे हूँ कि आप यदि मान लो कि महंगे उपकरण या मतलब कोई भी हॉस्पिटल में यदि महंगा इलाज होता है वो इसमें नहीं होगा। और इसके अलावा रोग जनरल वार्ड के अलावा यदि आप कोई भी कोटेज यदि आप इसमें फ़ायदा ले रहे हो कोटेज के अनुसार तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और इस योजना में भामाशाह योजना के अंतर्गत यदि आपको 3 लाख रुपये की कैशलेस उपचार की सुविधा दी गई है तो आपको इस योजना में फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको मुख्यमंत्री सहायता कोष में फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसके बाद में आपको मैं बताऊँगा कि आवेदन के साथ निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक कौन कौन से हैं। तो आपको ये जो गंभीर रोग से पीड़ित के चिकित्सा हेतु सहायता के लिए सादा कागज़ पर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, और जो ये एक प्रार्थना पत्र कमरा नंबर 22 में आपको जमा करवाना पड़ेगा, यानी मुख्य भवन शासन सचिवालय जयपुर में आपको यह जमा करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा आप जो मैं आपको बताऊं कि जो वार्षिक आय है 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो आय प्रमाण पत्र भी आप इस फॉर्म के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और जो स्कीम है उस स्कीम के अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए। और इसमें जो 3 नंबर का जो ऑप्शन है कि आपका जो जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करवा रहे हैं वहाँ के डॉक्टर के सील सिग्नेचर एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, मोहर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कई डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको वेरीफाई करने पड़ते हैं, उसमें जैसे राशन कार्ड है उसकी प्रतिलिपि आपको इसके साथ संलग्न करनी पड़ती है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, यदि आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड है और भामाशाह कार्ड है या जन आधार कार्ड है तो उनके आधार नंबर और जन आधार कार्ड नंबर या भामाशाह कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका ये जो राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के द्वारा आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ नवरत्न मंडल से, आपका स्वागत है टेक्निकल नवरत्न मंडल से यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।